नमस्कार, मैं डॉक्टर एमी किरण शर्मा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अभी मैं इंदिरा विहार सिलगढ़ी में काम कर रही हूँ एज ए सेंटर हेड एंड एज अ चीफ इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं निसंतानता के बारे में, उसके थोड़े बहुत कारणों के बारे में, और जो महिलाओं के जो अंडे की गुणवत्ता होती है और जो AMH लेवल्स उसकी उससे महिलाओं के माँ बनने पे कितना असर पड़ता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो निसंतानता के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि निसंतानता का शिकार कब माना जाता है। तो जब एक दंपति एक साल से ज्यादा साथ में रह के भी माँ या बाप नहीं बनते हैं तो माना जाता है कि उन लोगों को निसंतानता के लिए जांच करवानी चाहिए। और अगर एक दंपति जिसमें महिलाओं की उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है तो उनको दिया जाता है समय सिर्फ 6 महीने की। अगर 6 महीने के बाद भी अगर उनका बच्चा नहीं हो जाता तो फिर उन लोगों को जांच करवाने की सलाह दी जाती है। अब जब हम लोग कारणों के बारे में बात कर रहे हैं कि निसंतानता क्यों होती है, तो कारण ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे हो सकती है कि पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत हो सकती है, या फिर महिलाओं की अंडाशय में दिक्कत हो सकती है, महिलाओं की बच्चेदानी में दिक्कत हो सकती है, महिलाओं के ट्यूब में दिक्कत हो सकती है। तो सब जांचें करवाने के बाद हम लोग एक नतीजे में पहुंच जाते हैं कि किस कारण से निसंतानता हो रही है और उसके लिए हम लोगों को ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जिससे हम लोग आपको माँ बाप बनने का सुख दे सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अंडाशय की वजह से या फिर अंडे की गुणवत्ता या फिर AMH लेवल की वजह से महिलाओं का माँ बनने पे कितना असर पड़ सकता है। तो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसी एज, उसी पीरियड, उसी एज गैप पे वो लोग माँ बन सकते हैं। उसके बाद उन लोगों का माँ बनना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब ये क्यों होता है? जबकि एक पुरुष जिसका एज जितना भी हो जाए, उनका जब शुक्राणु निकलने लगता है तो उनका एज 7 साल या 70 साल का ही हो जाए, वो लोग बाप बन सकते हैं। पर महिलाओं में ये सुख नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अब एक ही डिफरेंस होता है, क्या होता है महिलाओं में, जब पहले से ही उनका अंडाशय या फिर अंडाशय में जो अंडे होते हैं उसका एक फिक्स नंबर होता है। जब वो लोग माँ के कोख के अंदर होते हैं तो उन लोगों के पास एक फिक्स नंबर के अंडे दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अंडाशय का नंबर गिरता ही रहता है। तो जब पहले होता है, जब माँ की बच्चेदानी के अंदर होती है, जब एक फीटस होती है महिला, तो उनका जो अंडाशय होता है उसमें लगभग 6 से 7 मिलियन अंडे होते हैं। जब वो जन्म लेती है तब ये अंडे का नंबर गिर के 1 से 2 मिलियन में हो जाता है। जब वो प्यूबर्टी अटेंड करती है, प्यूबर्टी का मतलब है जब वो महावारी उसका शुरू हो जाता है, तब ये अंडे का नंबर गिर के हो जाता है 3 से 5 लाख के करीब। और उसके बाद हम लोग का प्रति महीना अंडा गिरता ही रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। और जब उनका मेनोपॉज या फिर ऐसे ही 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तब ये अंडे के नंबर गिर के 1000 से भी कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, महिलाओं का माँ बनने का एक फिक्स पीरियड होता है जिसमें अंडे की गुणवत्ता और अंडे के नंबर अच्छे रहते हैं। अब माना जाता है कि जब महिलाओं 30 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, अंडे का नंबर और अंडे की गुणवत्ता तेज़ी से गिरने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका माँ बनने का चांसेस और कम होता जाता है। तो हम लोग आज बात करते हैं कि अंडे की गुणवत्ता या फिर हम लोग कैसे देखते हैं या फिर अंडे का नंबर कैसा है कैसा नहीं है हम लोग कैसे देखते हैं। उसके लिए 2 जांचें होती हैं। एक होता है आपका AMH, जिसको बोला जाता है एंटीमुलेरियन हार्मोन, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि अंडे में मतलब एक फीमेल का ओवरियन रिजर्व कैसा है। दूसरा होता है AFC। AFC का मतलब होता है कि एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, जिसमें हम लोग देखते हैं पीरियड के 2nd डे या फिर 3rd डे में हम लोग देखते हैं उनका सोनोग्राफी करके कि उनके अंडाशय में कितने अंडे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अभी AMH और AFC दोनों को लगभग एक ही तरह का होता है, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल सकता है हम लोगों को कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितना है, उनको कितना जल्दी कुछ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, या फिर उन लोगों का कितना उन लोगों का पास समय है जिससे हम उन लोग उसके बाद उन लोगों को ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं AMH के बारे में।
अभी एमएच क्या होता है? एमएच एंटीबॉडी हार्मोन है, ये वो अंडे सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है अंडों से, जो अंडे बहुत छोटे होते हैं, प्रीएंट्रल फॉलिकल्स से हम लोग का ये एमएच हार्मोन निकलता है। तो ये एमएच हार्मोन जो होता है, अगर हम लोग टेस्ट कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अंडे से निकलता है जो अंडे अभी हम लोग को दिख नहीं रहे हैं, तो वो अंडा जो होता है वहाँ से हम लोग का पता चल जाता है कि वो फीमेल का रिजर्व कैसा है। अभी एमएच भी आपका, जैसे मैंने कहा है, 30 से 35 वर्ष के बाद में आपका तेजी से गिरने लगता है। तो ये एमएच हम लोग को बतलाता है कि हम लोग का अंडाशय में कितने अंडे हम लोग के पास है, और हम लोगों के पास मतलब हम लोग का माँ बनने का क्षमता कैसा है। अगर ये एमएच काफ़ी कम है, मतलब अगर 1 से कम है, तभी भी दिक्कत हो जाती है, उसका मतलब है कि महिलाओं का अंडाशय के नंबर, अंडा का नंबर कम हो रहा है, तो फिर उनका जल्दी ही उनका पीरियड बंद होने वाला है। हम लोग को कुछ काम जो करना होता है वो तेजी से करना होता है। अगर किसी का एमएच ज़्यादा होता है, 4 से ज़्यादा या फिर 4 या 5 से ज़्यादा होता है, तब माना जाता है उन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या है, मैंने इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाया है, पर थोड़ा सा मैं अभी कह देती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, आपके अंडे बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। अंडे बहुत ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आपके अंडे अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो हार्मोन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। अच्छे से अगर ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो समय पे बड़ा नहीं होता है, समय पे बड़ा नहीं होगा तो समय पे वो हैच आउट नहीं कर पाएगा, हैच आउट नहीं कर पाएगा तो फिर आप लोग का बच्चा नहीं होता है, नहीं तो किसी का महामारी ठीक ठीक समय पे हो सकता है। तो एमएच ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम होता है, एमएच कम होना भी प्रॉब्लम होता है, दोनों ही अगर ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही चीज़ों में हम लोग का अंडे की गुणवत्ता में दिक्कत दिखाई सकती है। दूसरा होता है AFC, AFC का मतलब क्या होता है, एंट्री फोलिकुलर काउंट। एंट्री फोलिकुलर काउंट का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पे हम लोग महिलाओं को बुलाते हैं, उस दिन हम लोग देखते हैं कि उनके अंडाशय में अंडे कैसे हैं। अब तो सब जगह में GVS हो सकता है, ट्रांसवजनल सोनोग्राफी हो सकता है, उससे क्या होता है, हम लोग को और एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, तो उससे हम लोग बता पाते हैं कि उनके अंडाशय में इस महीने कितना अंडा निकलने वाला है या फिर कितना अंडा ग्रो करने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना अंडा निकल गया है सब अंडा आपका ग्रो करे, आपका अंडा जो ग्रो करेगा, जो आपको बच्चा देने वाला है, नॉर्मल साइकिल में सिर्फ एक अंडा ग्रो करता है, बाकी सारे अंडे आपके एट्रेटिक हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। बदन अगर हम लोग किसी का IVF के बारे में प्लान कर रहे हैं, या फिर किसी का हम लोग फॉलिकुलर जो होता है, हम लोग किसी का अंडे को स्टिमुलेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसके कितने अंडे लगभग निकलने वाले हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, पीरियड के 2nd या 3rd डे में आपको बुलाया जाता है, TVS या TAS किया जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि आपके अंडाशय में कितने अंडे हैं। तो ये एंट्रल फॉलिकल जो होता है उसका जो वैल्यू होता है, जो उसका काउंट होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो एंट्रल फॉलिकल का मतलब है कि कितने भी अंडे जो हम लोग का 2 mm से 10 mm के करीब में हम लोग को दिखाई जाता है वो गिना जाता है। अगर वो 3 या फिर 4 से या फिर 6 से हम लोग का अगर कम दिखाई दे रहा है तो फिर दिक्कत हो जाता है दोनों का मिला के। अगर वो हम लोग को फिर 20-25 से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है तब भी दिक्कत हो जाता है दोनों मिला के, दोनों अंडाशय को मिला के। क्योंकि अगर 2-3 से कम हो जाता है तो उसका मतलब है कि ये लोग पोअर ओवरियन रिजर्व में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग अगर एमएच का 1 से कम होता है या फिर AFC अगर 4 या 5 से हम लोग को कम दिखाई देता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये लोग पोअर ओवरियन रिजर्व है। या इन लोगों का क्या होता है, हम लोग जितना भी अंडा को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, अंडा ग्रो करेगा पर फिर अंडा का क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है। या फिर क्या होता है, जब हम लोग अंडे को ग्रो कर रहे हैं तो फिर पूरा पूरी हम लोग को सब अंडे के अंदर अंडाशय नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा चीज़, जब आपका AFC जब 25 से ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर आपका एमएच जो होता है मोर देन 4 हो जाता है, तो जैसे मैंने कहा आगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिक्कत रह सकता है। इसमें आपको हो सकता है कि अंडाशय जो होता है आपका ठीक ठाक समय पे ना ग्रो करे, हार्मोन्स आपको ज़्यादा लेनी पड़े, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हार्मोन की वजह से आपका क्या होता है, ज़्यादा अंडे ग्रो करेंगे, ज़्यादा अंडे ग्रो करने से फिर आप लोग को एक दिक्कत हो सकती है जिसको बोलते हैं ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो बहुत ही खतरनाक होता है एक मतलब लाइक इनफर्टिलिटी के लिए, दैट इज़ अ वेरी बैड साइड इफेक्ट।
तो ये सब चीज हम लोग को जानकारी लेनी चाहिए हम लोग एक ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर किसी का एमएच काफी कम होता है या फिर अंडे की लेवल काफी कम, अंडे का नंबर काफी कम होता है, तो उन लोगों को हम लोग देते हैं कुछ डियाप्रिक देते हैं या फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जिससे क्या होता है उनका अंडे के मतलब लाइक नंबर को तो हम लोग इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग क्या कर सकते हैं उन लोगों का थोड़ा सा अंडे का क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उनको 2 महीने के लिए हम लोग एक दवा दे देते हैं, जिससे हम लोग का शायद ये मान के चलते हैं कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा दवा दे रहे हैं तो फिर अंडे का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है और फिर हम लोग उनका AFC देख के उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी का AFC बहुत ज़्यादा है या फिर किसी को पॉलिस्टिक ओवरीज का दिक्कत दिखाई दे रहा है जिससे अंडे की गुणवत्ता के बारे में दिक्कतें हो सकती हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग हॉर्मोन्स देते हैं, उन लोग को हम लोग मेटफॉर्मिन दे सकते हैं जिससे हम लोग उनका जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। एस्प्रिन दे सकते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि PCOS में आपका एस्प्रिन खाने से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, तो ये सब ट्रीटमेंट देके हम लोग उनके अंडे को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग उनका स्टिमुलेशन प्लान करके अंडे का क्वालिटी ऑन डे ऑफ पिकअप हम लोग असेस कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं जिससे हम लोग को अंडे की गुणवत्ता या फिर क्वालिटी के बारे में हम लोग को दिक्कत हो सकता है। तो महिलाओं जिसका मतलब जिन महिलाओं का आपका बच्चा नहीं हो रहा है, जिनका आपका शादी होके 1 साल हो चुका है और जिनका आपका एज भी ज्यादा हो रहा है या फिर बच्चे नहीं हो रहे और आप लोग प्लान कर रहे हो फर्टिलिटी के बारे में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बार जाके देख लो आपका AMH कैसा है और आपका AFC कैसा है और उसके अनुसार से आप लोग अपना फर्टिलिटी का प्लान कर सकते हो। थैंक यू।